नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट स्पिरिचुअल। आपके साथ मैं हूँ रीना। ज्योतिष के मुताबिक ग्रहों के सेनापति मंगल 27 जून को मेष राशि में प्रवेश किया था। उस समय राहु मेष राशि से पहले से ही विराजमान थे। मंगल और राहु की युति से मेष राशि में अंगकारक योग का निर्माण हुआ है। ज्योतिष में अशुभ योग माना गया है। यह योग रक्षाबंधन से पहले यानी 10 अगस्त की रात तक खत्म होगा। इसका दुष्प्रभाव इन 4 राशियों पर पड़ेगा जो आज हम आपको बताने वाले, इसलिए इन राशियों को विशेष रूप से सजग रहना होगा। आइए जानते हैं कौन सी है वो राशियाँ। पहली है मेष राशि। अंगकारक योग के प्रभाव के चलते मेष राशि के जातकों को रक्षाबंधन तक हर कदम बहुत सजगता के साथ रखना होगा। इनका व्यवहार खुद के लिए घातक हो सकता है। इस दौरान इन्हें अपने क्रोध पर काबू रखना होगा। वाद विवाद से दूर रहे, वाहन न चलाए, नहीं तो नुकसान हो सकता है। दूसरी है वृष राशि। वृष राशि वालों को रक्षाबंधन तक फूक फूक कर कदम रखना चाहिए, क्योंकि अंगकारक योग के चलते दुर्घटना की संभावना है। दूसरों के मामले में टांग न अड़ाए, नहीं तो नुकसान हो सकता है। इस दौरान पैसों का लेन देन न करना आपके हित में रहेगा। तीसरी है कर्क राशि। कर्क राशि वालों को भी रक्षाबंधन तक सतर्क रहना होगा। अंगकारक योग के प्रभाव से आप में क्रोध की वृद्धि होगी, इसलिए आपको अपने क्रोध पर नियंत्रण रखना होगा, अन्यथा इसका खामियाजा आपको ही भुगतना पड़ेगा। साथ ही वाणी पर भी नियंत्रण रखना, जल्दबाजी में कोई निर्णय ना लें, वाहन ना चलाएं। इस दौरान हुए नुकसान की भरपाई बहुत मुश्किल से होगी। तुला राशि। अंगकारक योग का प्रभाव आपके दाम्पत्य जीवन में परेशानी ला सकता है। घर में लड़ाई झगड़े की स्थिति बन सकती है। करियर या कार्यस्थल पर नई मुश्किलों का सामना करना, सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे लोगों की एकाग्रता भंग हो सकती है। जिन राशि के जातकों पर अंगकारक योग का बुरा प्रभाव पड़ रहा है, उन्हें प्रत्येक मंगलवार को व्रत रखना चाहिए तथा विधि पूर्वक हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए। पूजा के दौरान हनुमान चालीसा और आरती का पाठ करना चाहिए। हर दिन हनुमान जी के सामने घी का दीपक जलाना चाहिए। मंगलवार और शनिवार के दिन सुंदरकांड का पाठ करना चाहिए, इससे इसका दुष्प्रभाव कम हो जाता है। अगर आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और हमारे आने वाले वीडियोस के अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।